नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एलर्सेट कोल्ड टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एलर्सेट कोल्ड टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एलर्सेट कोल्ड टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एलर्सेट कोल्ड टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एलर्सेट कोल्ड टैबलेट का उपयोग कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुखाम के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है, जैसे नाक से पानी बहना, छींक आना, नाक का बंद होना, गले में खराश होना, खांसी होना आदि लक्षण सर्दी जुखाम होने पर हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में सर्दी जुखाम होने पर सिरदर्द और बुखार भी हो सकता है। एलर्सेट कोल्ड टैबलेट बुखार और सिरदर्द को भी ठीक करती है। वैसे एलर्सेट कोल्ड टैबलेट खांसी से भी राहत दिलाती है, लेकिन यदि आपको खांसी फेफड़ों में इन्फेक्शन होने की वजह से आ रही है तो एलर्सेट कोल्ड टैबलेट इन्फेक्शन को ठीक नहीं करती है। फेफड़ों में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाइयां लेने की सलाह दे सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे एलर्सेट कोल्ड टैबलेट की वजह से ज्यादातर व्यक्तियों में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एलर्सेट कोल्ड टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एलर्सेट कोल्ड टैबलेट की वजह से कुछ व्यक्तियों में उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, सिरदर्द, मुंह में सूखापन, शरीर में थकान होना, हल्का हल्का सिर घूमने का आभास होना और नींद अधिक आ सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एलर्सेट कोल्ड टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एलर्सेट कोल्ड टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर एलर्सेट कोल्ड टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं। एलर्सेट कोल्ड टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको एलर्सेट कोल्ड टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि एलर्सेट कोल्ड टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जुखाम खांसी को जल्दी ठीक करने के लिए आपको एलर्सेट कोल्ड टैबलेट के साथ साथ हर रोज दिन में 2 से लेकर 3 बार गर्म पानी की भाप लेनी चाहिए और बर्फ व ज्यादा ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को एलर्सेट कोल्ड टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को एलर्सेट कोल्ड टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एलर्सेट कोल्ड टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एलर्सेट कोल्ड टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है, इसलिए डॉक्टर जरूरत पड़ने पर स्तनपान करा रही महिलाओं को एलर्सेट कोल्ड टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एलर्सेट कोल्ड